तो मैंने जो देखा ना खिड़की के बाहर, बाप रे बाप, क्या देखे यार आरती, मुझे ऐसा सीरियसली वहां पर ऐसा लगा कि एक व्हाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल, मैं हूं अरसलान। और गाइस, बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए रहोगे कि मैं हूं कहां पर। जैसे कि लोग बोलते ये सब बोला करो, क्योंकि मैं ये पहले बोलता था। हम लोग आज अलकज़ार नाम के फ्लैट पे, फ्लैट बोल रहा था, कार के अंदर है। और ये अवरेज भाई 2 रुपए मांगते हुए क्या टोला आ गया था क्या? मत कर यार, बहुत अंधेरा है यहाँ तो। तो क्या बहुत अंधेरा इसलिए है क्योंकि ब्रेश भाई तुमको लाइट भी चालू किया हूँ। तुमको एक सीख देता हूँ, पहले तो एक बात बता देता हूँ गाइस। पहले तो एक बात बता देता हूँ गाइस कि मेरी आवाज ऐसी हो गई है, मैंने इतना चिल्लाया हो, इतना चिल्लाया हो, इतना चिल्ला चिल्ला के गाना गाया, ओ हो मेरी लाइफ में ये बहुत बार हो चुका है। लेकिन लगा पहली बार बोलोगे नहीं, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के गाना गाया, जब आरती नहीं आई तब भी चिल्ला चिल्ला के गाना गाया था। तभी तो तुमको खुशी चुई रहेगी बहुत, इतनी आवाज नहीं बैठी थी। लेकिन लोग के बॉयज का तो अलग ही रहता है, जब तुम लोग सब लोग बॉयज होते हो ना साथ में, तभी तुम लोग का वाइब भी कुछ अलग ही लेवल पे जाता है। लड़कियां रहती है तो सिर्फ झगड़े करते हो। हेलो दूसरी वाली भाई, कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। ये कितनी छोटी लग रही है पीछे से ना। लेकिन और गाइस, मैं आप लोगों को एक और एक भाईजान से मिलाना भूल गया। जीशान भाई यहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि जीशान भाई इज इंजर्ड बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस। अरे हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। आवाज के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जबान भी स्लिप हो रही है। और अपरेश भाई तुमको नहीं बताया ना आरती, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताया। क्या तुम लोग पहले तो यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर उसके बाद शायद हो सकता है तुम लोगों को यकीन हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है शायद तुम लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया। अरे नहीं पागल, मैं किसी को बताया नहीं। मैं तुम बोलो है कि नहीं यार, तू लोनावला से बाहर निकल के तू बता रहे ये सब स्टोरी, ये सब तो तेरी स्टोरी रहेगी। तो मैं ये बता रहा था कि कल हम लोग गए थे सुफियान भाई, हम लोग सब मतलब एक कार के अंदर बैठ के गए थे हम लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे पे, जहाँ जीशान भाई लोग चले गए थे पहले। हाँ ब्रेश भाई तुम लोग चले गए थे पहले। हाँ, तुम लोगों को रास्ते में कुछ दिखा? हाँ दिखा ना, पेड़ पौधे, ढाबे, मगन लाल चिक्की। गाइस लोनावला में जाओ, मगन लाल चिक्की खड़े रहते है, क्या ही बताओ। हाँ तो मैं ट्रैक से भटक गया था, अभी फिर से ट्रैक पर आया होगा। तो ये है कि जब मैं ना, अब मैं हम लोग 4 लोग ये सीट पे बैठे थे, ये कार के नहीं हैरियर के कार में। आरती सुनो, अपरेश भाई तुम सुनो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्राइविंग ऑल्सो, बिकॉज मुझे घर पहुंचना बहुत ट्रैफिक नहीं है यहाँ, इसने ये रोड ब्लॉक करके रखा है ये ट्रक ने। तो मैं ये बोल रहा था, जब हम लोग कार में बैठे थे, हम लोग ढाबा जा रहे थे, हम लोग बैठे, हम लोग सब मस्ती मजाक ही कर रहे थे ये वो, लेकिन मैं विंडो सीट पे बैठा हुआ था। तो मैंने देखा, क्या मालूम शायद मैंने महसूस किया, वहम किया गया, शायद मैं ज्यादा ही मूवीज देख रहा था, तो उसका मैंने समझ रहे हो पूरा सीन, क्या हुआ है मुद्दे की बात बताओ। अरे सुनो मेरी बात, पूरा सीन वीन मैंने दिमाग में डाल के, शायद मेरे ख्याल से एक रहता है ना वहम की नहीं, हाँ भाई बहुत ज्यादा मूवी एडिक्ट हो जाता है, लेकिन वैसा सब कुछ नहीं था। लेकिन मैंने जो देखा ना खिड़की के बाहर भाई, मेरी हकीकत में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई मैंने कुछ देख लिया। और मैंने ये मैंने किसी से सुना हो कि अगर कुछ तुम बुरा देखते हो, कुछ समझ रहे हो साया ना ऐसा एक्सेट्रा ये वो, तो ये सब चीज किसी को बताना नहीं चाहिए, एक दिन या 3 दिन छोड़ के बताना चाहिए, ऐसा मैं सुना हूँ, क्या मालूम क्यों। लेकिन भाई जो सुनते हुए आए वही मैं बोल रहा हूँ, बुरा सपना आया तो बोल देना चाहिए, अच्छा सपना आया तो 3-4 दिन के बाद बोलना चाहिए। सपने सपने में भी वो चीज रहती है मालूम तुमको, मैंने पहली बार सुनी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना तुमको। आई एम गेटिंग नॉलेज, यू ऑल्सो टेक नॉलेज फ्रॉम मी। तो मैंने जो देखा ना खिड़की के बाहर, बाप रे बाप, क्या देखे यार आरती, मुझे ऐसा सीरियसली वहां पर ऐसा लगा कि एक व्हाइट कलर की, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परछाई बोले यार, व्हाइट बोले कलर की परछाई, अरे व्हाइट टाइप रहता है ना, जैसे साड़ी हो गई व्हाइट कलर की, नहीं वो फिल्म में बूद के वो रहते हैं। अरे लड़की नहीं थी भाई, तो ऐसा मसला था भाई, राइट साइड से चलाओ ये हैवी ट्रक वाले, लेफ्ट साइड ऐसा सीन था कि व्हाइट कलर का कुछ था देखा मैंने, और एक जगह नहीं देखा उसको मैंने कम से कम 2 या 3 जगह। पंची मेरे को रास्ता नहीं पता ना, सीधा सीधा है ब्रो। और हाईवे पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, 80 क्या? हाँ 80 क्रॉस कर लो पक्का ना। अरे डालो अपने हाईवे भाई, जाके अमरा दी कहाँ पे बंद कर देना। तो मैं भाई यार तुम बहुत मेरी उससे हटा रहे हो यार मुझे, तुमने कल देखे हो जो भी चीज, लेकिन गाड़ी में आज चला रहा हूँ मैं, अपने को अपना प्रेजेंट बचा लेगा। अच्छा गाड़ी वाड़ी सब अपन अच्छे से चला लेते, मसला ये है लोग कहीं से भी घुस रहे हैं यहाँ पे हाईवे पे। वो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको क्या बोला कि तुम मेरी बातें भी सुनो और कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्राइविंग ऑल्सो। तो
अभी मेरी बात सुनो, ये अब उन सब जा रहे थे, जाने के बाद मैं राइट साइड की विंडो सीट पे बैठा हुआ था, राइट साइड की विंडो सीट पे जब बैठा हुआ था तो एक जगह पर मुझे ऐसा लगा कि एक साया है। अब ये हकीकत था या अभी तुम जब अपन निकल रहे तुम अब भी डरा रहे हो क्या? अरे तो हो गया ना, पागल डर नहीं लगेगा ना बच्ची? नहीं एक दिन हो गया ना। अरे तो ख्याल क्या अभी पागल, ऐसा थोड़ी ना। तुम मेरी बात सुनो, एक जगह मेरे को दिखा, दूसरी जगह मेरे को दिखा, ठीक है, तीसरी जगह भी दिखा मुझे। अब मुझे, मैं जैसे ही ये सब देखा ना तो मैंने फटफट है ना दुआ पढ़ने लगा। मैं बोला कि नहीं, हाँ भाई चलो, हो सकता है शायद वहम होगा या कुछ होगा ऐसा वैसा। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं वहां से ही रिटर्न आ रहा था ना तब भी वहां पर था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ये सब चीजें मैं बताया नहीं इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है अपन 200-300 किलोमीटर दूर। हाँ, अपने साथ में बहुत लड़की लोग भी थे, वही वही इसलिए, और छोटा बच्चे लोग भी थे ना, तो इसके लिए वही। अब मैं एक छोटा बच्चा हूँ, विला में नहीं देखे वरना फिर तो। हाँ, विला में तो भाई 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 सुनो मेरी बात, विला में देखता तो मैं तो सबको बोल दिया होता था वही पे तैनात। लेकिन विला में ना तीन चार चीजें मेरे को ना बहुत डरावनी लगी। क्या मालूम है, वो दरवाजा अपने आप पटकता था। अरे हवा की, वो तो हवा की। हाँ बाबा, मेरे अब मैं चल रहा हूँ रात में सुसुआई में करने उतरा, और करने उतरने के बाद समझो ताड़ ताड़ करके आवाज आने लगी। मैं बोला भाई कौन खोल रहा हूँ मैं, कौन है कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद तुमको क्या, थैंक गॉड, नॉनसेंस, डरपोक आदमी। और हाँ, मैं ये बताने वाला था तुमको, मालूम नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं, मैं ऐसा वहम किया क्या किया। मेरे को लगता है तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस बारे में। ओ भाई, ईशान भाई स्नोरिंग कर रहे, खराटे ले रहे। गाइस, इन द हिस्ट्री ऑफ फोकट्स, ये खराटे लेता है क्या ब्रो? खराटे को इंग्लिश में स्नोरिंग बोलते हैं। मेरे को सिखाओगे तुम अभी? अब नहीं मालूम था, बोलने तो मैं पहले बोल जाता हूं खराटे। अच्छा ठीक है, बोलो डकार। डकार को क्या बोलते हैं? बर्प। रॉन्ग। क्या बोलते हैं? अय्या, क्या बोलते हैं? बर्प। तो मैं इसका भी एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि जब खराटे लेते हैं तो इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है। अब मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। एक काम करो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब तुम घर पे आओगे ना तुम्हारी मम्मी को बोलो नजर निकाल ले, शायद हो सकता है कुछ भी ब्लैक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी साथ में रहती है, मतलब नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है ह्यूमन बींग्स को। हाँ ब्रिजबा, ऐसा होता है क्या? अब्रेश और मैं और अपने ग्रुप में कौन बताए, तुम नहीं इतना बिलीव करते, और मैं नीदा, हम लोग सब लोग सुपरस्टिशंस पे बहुत बिलीव करते हैं। वही जाना चाहिए। हाँ वो तो है, सुपरस्टिशंस हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर मुझे थर्ड टाइम जब मैंने देखा ना तब क्या था मालूम है? वो नहीं, मतलब खम्बा अम्बा पे गोनी ओनी बांधते थे, स्केयरक्रो नहीं, एक कंस्ट्रक्शन वाली जगह थी, खामा इतना डर रहा था। अबे यार क्या दिमाग है भाई? अब मैं मेरी सोच बता रहा था ना, क्या हो गया भाई उसको। सो गाइज, अब्रेश को पकड़ लिया है और पुलिस वाले ने, ये देखो वो बात कर रहा है उनसे, क्या पता क्या हो गया है। बाप रे बाप, पता नहीं गाइस किस चीज के लिए चिल्ला रहे हैं वो। तो गाइस मैं आ चुका था, मैं जो भी सब कुछ बताया वो सब कुछ सही था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद भूत जैसा कुछ था, लेकिन वो भूत नहीं था, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पर, रोड पे भी कंस्ट्रक्शन चालू था। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मुंबई के रोड्स कंस्ट्रक्शन में ही दिखते हैं हमेशा बस। और मैं ऐसी वैसी आरती को थोड़ा बहुत डरा रहा था, लेकिन जो कुछ भी मैं बोल रहा था वो सब सच था। मुझे ऐसा लगा शायद वहाँ पर कुछ है, लेकिन वहाँ पर कुछ था नहीं, वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन साइट का जो गोनी वोनी बांधते वो सब था। तो बस बहुत मजा आई हम लोग को लोनावला में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप भी बहुत अच्छी जाएगी जो कि हम लोग बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़।